एक बार पूरा पूरा अरे वो चीज करके तो होता है गलार लग तो किन का गाड़ी पंचर हो गया तो आया बिजनेस की गाड़ी पे पैसा सिर्फ बिजनेस से नहीं आता है पैसा बहुत चीज से आता है कोई सेंसेस बात की देखिए रंजन जो है क्या कर रही है आटा गूंद रही है तो मम्मी के है ना कि आज निकली है गुरु पूर्णिमा है तो अपने गुरु जी को पूजा करने नानी के घर और दीदी काटेगी भुजिया वगैरह अब फिलहाल अभी फाइनल नहीं है कि भुजिया वगैरह बनेगा कि नहीं बनेगा सावधान बोलो बोले मिला रहा है पढ़ाई कर रही है ऐसे मैं व्लॉग बना सो गाइस अभी क्या है ना कि मस्त बात हुआ है और ये हुआ है कि अभी हम लोग घर में बैठे हुए थे अभी हम लोग खाना बनाने का प्लानिंग कर रहे थे तो मेरे सारा फ़ोन किया है कि हम चिकन लेकर के आ रहे हैं तो उसका दोस्त लोग भी है कल से सावन स्टार्ट है तो सावन में हम लोग खा नहीं सकते हैं तो इसलिए अभी चिकन लेकर के आया है और हम लोग चिकन बनाएंगे अभी जस्ट हम मतलब नीचे गए प्याज लेने के लिए और ये देखिए इधर में क्या हो रहा है आपको हम बैक कैमरा दिखाते हैं और इधर इच गिलास तो ये गिलास है इसमें अभी दारू रखेगा और हम पिएगा सब पिएगा और इधर इच ये आ चुका है हमारा दारू बोले तो स्प्राइट अरे वाह झन से जो आवाज मारता है ना ये तो तुम मुझसे नजरे अभी क्या है कि वो छोटू जो है ना ये मेरे इमली आया है चलो और इधर से अपन लेके जा रहे हैं सर्व करने के लिए लो और ये हमारा फोकस पूरा अभी ठंडे पे है तो चेहरा दिखेगा नहीं आपको दिख गया आप दिख गया फोकस हट गया जा एक गिलास एक्स्ट्रा ही लेके आ गया था आपका होगा ओह मेरा भी था अब हम नाम लोग तीनों भाई बहन इधर कुछ पीगा वो लोग अपना दोस्तों के साथ में कंपनी कर रहा है दोस्तों भाई बहन कोल्ड ड्रिंक्स ओके नॉट ठंडा साफ तो करना पड़ेगा ना भैया आप कितना ड्रामा करते हैं सो अभी के अभी तुम लोग खा लिया ना अमीरों वाला गिफ्ट्स और ये लोग गरीबों वाला गिफ्ट्स और ये देखिए फाइनली ये बच्चा लोग के लिए आ गया वापस तो हमारी तरफ से एक्स्ट्रा रिटर्न गिफ्ट हाँ तुम्हारे बैंक अकाउंट से 5,000 कोई उड़ा लिया क्या तो एक्सप्रेशन क्या है इसे तो ये है कुछ ये आपको दिखाएंगे फिलहाल बाहर चलते हैं आई एम रेडी गाइस छोटो छोटो एक्टिंग पूरा बता दो हमको उल्टा हरा तो ठीक है आप बनाए आपको सीखना चाहिए ना चुप चुप गए देखी हुई अर्जुन पीने का तरीका बताओ एकदम भाई तुम तो पिता ही है भाई बोल रहा भाई कुछ भी बदनाम कर रहा हमको कब देख लिया पीते हुए कुछ भी मत मतलब क्या पूरा निकल गया आगे में निकल गया तुम मजाक लग रहा है अरे पूछो ना तुम अगर फोन किया सौरभ किया और ये देखिए अभी इन लोग का चल रहा है पार्टी अपना तो सही बनाता है एक आदमी तेल रखेगा एक आदमी मसाला एक आदमी बोलेगा धीरे से वो करेगा हाला पर वो बहुत अच्छा खिलाता है स्मेल तो अच्छा आ रहा है बस अच्छा बनना चाहिए भैया तो अब टाइम हो गया है खाने का सो अब चल रहे हैं सब खाने चावल चल रहा नहीं है स्पॉइलर चावल गीला हो गया उतना नहीं फोन है अंकल
यार डिबेट चल रहा है बिजनेसमैन वर्सेस आईटी। भाई हैकिंग में कोई नहीं किसी को तोड़ सकता। तू सुनो, एक अकेला हैकर अगर हम सामने 100 हैकर को बैठा दें तुम उसको नहीं कर पाओगे। सबका बाप होता है, ठीक है, सबका बाप होता है, याद रखना। उसका भी होता है भाई, बड़े एक अकेला हैकर 10 पे भारी पड़ेगा, 100 पे तो भारी नहीं पड़ेगा भाई। तुमको 100 जगह से भाई अटैक मिलेगा, समझ रहे हो तुम? तुमको हैकर से बात करवाया अभी हम कॉल करके? हैकर से बात करा, मेरा दोस्त है। हाँ ठीक है, अब अलग बात है। जैसे क्या है, गूगल को जो लड़का जो किया, हाँ भाई बिहार का, भागलपुर का, बिहार से भागलपुर का है भाई, बेगूसराय का है शायद। वो लड़का जो किया था, ठीक ना, कितना किया था? 59 सेकंड के लिए किया था, फिर वो अभी छोड़ दिया भाई, वो तो किया नहीं, 59 सेकंड के लिए किया, फिर उसको छोड़ दिया, बोला कि आपने बग यहाँ पे सही कर लीजिए। ठीक है, मान लो गूगल पास बहुत सिक्योरिटी है, गूगल पास ऐसा नहीं था कि हाँ और थोड़ा देर में ठीक कर लेता हूँ, अपने को बचा लेता। 59 सेकंड भी क्यों करने, जब उसके पास तो हजार को हैकर बैठा ही होगा। वही तो बोल रहे कि हर किसी का बाप बैठा है, उसका बाप बैठा है, इसका भी कोई ना कोई बाप होगा ना। वो बाप बैठा हुआ उसके हजारों हैकर के सामने बाप हुआ ना। चलो ये क्या बोला है, ये क्या बोला है कि उसका बाप बैठा हुआ है, 3.5 करोड़ में उसको हायर कर लिया कि नहीं कर लिया? किया तो बिजनेसमैन ना, तो मजबूरी में आगे किया कि फिर आगे चल के। अरे भैया नहीं भैया, फिर आगे चल के क्यों किया 3.5 करोड़ में उसके पास? बोलता कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, मेरे पास था पैसा, यदि हैकिंग का दिमाग है, हम और जगह करने ट्राई का गया 3.5 करोड़ में उसके पास। देखा पैसा चला, पैसा का खेल है बाबू भैया। मेरे खुद के मामा जी भाई प्राइवेट कंपनी में थे, सॉरी मौसा जी, उनको फायर किया गया था, उसके बाद उनको मिला क्या जॉब? नहीं मिला, घूम करके दूसरे कंपनी में उनको मिला। भाई बिजनेसमैन दोनों लात मारता है आईटी इंडस्ट्रीज वाला को, समझा? इसका सोल्यूशन क्या है, हम तब से सुन रहे हैं, आईटी और बिजनेस जो है ना, दोनों एक लेफ्ट लेग है और एक राइट लेग। हाँ। इतना ही जान लो, लेफ्ट लेग के बिना दोनों एक दूसरे के बिना एक दूसरे पर डिपेंडेंट है बस। तो इससे ज्यादा हमें स्टार्टिंग से तुमको यही बोल रहे हैं, तुम खाली बिजनेस को ऊपर कर, पैसा के मामले में कोई ऊपर नहीं, पैसा के मामले में भाई पैसा कहीं से भी आ सकता है, पैसा सिर्फ बिजनेस से नहीं आता है, पैसा बहुत चीज से आ सकता है। कोई सेंस है इस बात भाई? तो हमको एक, हम उतना मेहनत क्यों करें जब हम 9 to 5 जॉब करके 80,000 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख कमा सकते हैं। बस वो 9 to 5 जॉब करके बाकी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। 9 to 5 जॉब करोगे, बॉस का गाली सुनोगे, लात खाओगे, झगड़ा थोड़ी हो रहा है। अरे झगड़ा थोड़ी नहीं हो रहा, हमको मतलब बात का झगड़ा हो रहा है, आदमी का झगड़ा थोड़ी हो रहा है, बहस यहाँ से शुरू हो रहा है। दोनों के बिना जो है नहीं, स्टार्ट में दोनों बोला है कि हम बेटर है तो हम बेटर है, दोनों नहीं बोला है। लास्ट में फिर शुरू किया कि दोनों डिपेंडेंट, लास्ट में आया है कि तुम की हाँ कि दोनों दूसरे डिपेंडेंट है, लेकिन स्टार्ट में तू ही बोला है कि आईटी ही बेटर है, आई वाला बिजनेस ही बेटर है। कैमरा घुमाओ उधर, ध्यान से देखा जाए, आज वर्ल्ड में अंकल इधर घूमिए, आज वर्ल्ड में ज्यादा पैसा कौन कमाता है? नौकरी करने वाला बिजनेस में कमाता है। सवाल ये है ना कि डिपेंडेबल दोनों एक दूसरे पर है, लेकिन पतला जो है भारी आता है बिजनेसमैन का। आज तुम जो 1 to 10 या 1 to 100 निकालोगे तो उसमें एक भी आईटी वाला घुसेगा? मोदी जी को अगर सपोर्ट होगा ना तो अडवाणी और अंबानी है पीछे से सपोर्ट नहीं, करेगा। नहीं, सवाल यहाँ मोदी के पीछे कहा जो है ना इसी वाले का, लोग अपने दम पे तो कुछ ना, यहाँ बैठ जाएगा अडानी जो भी है अपने दम पे, उसके पीछे सपोर्ट इसी वाले, इसका सपोर्ट नहीं रहेगा तो लोग वहाँ नहीं रहेगा। मोदी जी का बात ही नहीं करी वाला का सपोर्ट नहीं रहेगा भाई, कौन क्या था भाई, वो अपने दम पे लोग आया, ठीक ना, अपने दम पे अभी तक बिजनेस चला रहा है, तो किसके दम पर चला? और कोई वर्कर नहीं उसके में, तो वर्कर है तो भाई नहीं है। खड़ा तो खुद किया है ना, बाइक समझ रहा है, वही ना ट्रैक नहीं पकड़ रहा है कि हम देखो मेरा हम जो किसी भी चीज खड़ा करने में जॉब करना, किसी भी चीज को खड़ा करने और बेस बनाने वाला का जो होता है ना उसका बात अलग होता है, उसकी चीज को चलाना अलग बात कर रहा है, ठीक है। वो बिजनेसमैन है, वो आईआईटीएन को हायर कर सकता है, ठीक है, उसके बिना उसका उपाय नहीं है, लेकिन आईआईटीएन जो है वो अडानी या अंबानी को हायर नहीं कर सकता है, क्योंकि एक लेवल होता है कोई भी चीज, सब अपना नहीं कर सकता। तो करने का मतलब हम क्या बोलेंगे, दोनों दूसरे का पूरक है। मेन बात यही, इन्हें बोला कि बिजनेस में ना चाहिए, मेन बात यही है कि डिपेंडेंट है, अगर ये नहीं रहेगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा, एक दूसरे के लिए दोनों है, दोनों जरूरी है। अच्छा एक सुनो सुनो, तुम्हारा बात करो, पहले आईटी नहीं था उस समय, बिजनेसमैन था कि नहीं था, अब बताओ हमको। वो सर उस समय आईटी नहीं था, लेकिन उस समय सब कॉपी पेन का बोलता, उस समय कोई ना, हाँ कॉपी पेन था ना, आईटी नहीं था, आईटी वर्ड नहीं था वो, लेकिन बिजनेसमैन तो था। वो सब देखिए टाइम के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप होता है। हम क्या बोल रहे, मेरा बात बिजनेसमैन था कि नहीं उस समय, टाइम के साथ, अभी के टाइम, अभी के टाइम का बात, अभी के टाइम में जरूरी है, अगर ये नहीं रहा तो अभी के टाइम में कॉपी कलम वाला वो नहीं चल सकता। कहां लोग बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है, हम प्रेजेंट टाइम का बात कर रहे हैं, हम पास्ट का नहीं बात कर रहे, प्रेजेंट का ही बात, बिजनेसमैन पहले से ही है। अभी सबसे अधिक पैकेज का मैन जो सर्विस में है, सुंदर पिचाई,
उससे अधिक आईटी में किसी को पैसा नहीं मिलता है। लेकिन सुंदर पिचाई किसी का नौकरी कर रहा है, गूगल का जो मालिक है वो सुंदर पिचाई का नौकरी नहीं कर रहा है। बात समझ कैसे रहे, रिस्पेक्ट का बात। तुम तो दादाजी है, रिस्पेक्ट नहीं बोलते, रिस्पेक्ट बोलेंगे। लेवल लेवल उसका फर्ज है, उसका मालिक है वो। काफी हेवी डिस्कशन के बाद अब घर जाने का बारी आ गया। हम कुछ लगा था कि मार हो जाएगा यहीं पे, दोनों अलग लग जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे पान भी दुलाया हुआ है, चलो ये अच्छा किया, पान लेके आ गया। हम तो कुछ बोले नहीं भाई, हमको दे दो। आईटी नाम रख दिया इसका, आईटी रख दिया इसका। अजीब आदमी है भाई लगभग मंत्री। आफ्टर हैवी डिस्कशन भाई साहब बांडिया मंत्री निकलने के बाद एक ही गाड़ी में, क्योंकि इनका गाड़ी पंचर हो गया, तो आया भी नहीं उनकी गाड़ी पे। फिर बगैटी कर दिया, आईटी वाले का गाड़ी सक्सेसफुल नहीं है। ई लाइन सबसे हेवी था, आखिर में आया बिना वाले की गाड़ी के पास। आया तो बिजनेसमैन की गाड़ी, बिजनेसमैन की गाड़ी के पास नहीं, वहाँ पे दोस्त की गाड़ी के पास है। पार्लियामेंट से निकलने के बाद दोस्ती होता है, दोस्ती ही होता है। मल्ला जगह होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा गाइज। तो देखें आप लोग, मेरा दोनों दोस्त कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहा था। एक को आईटी में इंटरेस्ट है, एक को बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो दोनों लड़े जा रहा है। तो आप लोग बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो अगर आप लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए दोनों का बात में से किसका बात सही है किसका गलत है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। पता नहीं है बाल कब आएगा, बड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।